और सचमुच में राधे बाबा ने एक बार कहा था ये बात कि स्त्रियां कितनी भाग्यशाली उस भाव के कितने है ना, वो किशोरी जी कितनी सुंदर सेवा कर सकते हैं जो सचमुच में, मैंने मैंने स्वयं पढ़ा है, राधा बाबा ने अपने पत्र में लिखा ये बात, और भाई जी को पत्र लिखा कि काश मैं स्त्री होता कितना अच्छा होता, अब हम पुरुष हैं, हमको पुरुष भाव भुलाना पड़ेगा और स्त्रियों को भुलाने की आवश्यकता नहीं, वो श्री जी का इतना बढ़िया श्रृंगार कर सकती हैं, सर्वांग दर्शन कर सकती हैं, सर्वांग श्रृंगार करेंगी, सर्वांग या उबटन मर्दन करेंगे, लेकिन हम अभी विकारी, बाबा ने लिखा है जी, इसलिए मैं इन लीलाओं का चिंतन नहीं करता है, अभी मुझ में विकार है, पुरुष भाव अब मुझको भूलना है, ये भाई जी को लिख रहे हैं पत्र में, और कहा कि मैं स्त्रियों को देख करके ललचाता हूँ, काश मैं स्त्री होता तो श्री जी की कितने खुल करके सेवा करता। फिर धीरे धीरे भजन के द्वारा बाबा ने फिर वो भाव प्राप्त कर लिया बाद में। सचमुच में निकुंज उपासना में सखियाँ जो हैं वो पुरुषों से आगे मानी जाती है, क्योंकि उनको श्री जी की सेवा वो डायरेक्ट कर सकती है। पुरुषों में तो फिर भी गलत भाव आ सकता है, महिला महिला तो नहीं होता, पुरुष से सखी भाव बनाना पड़ेगा, उनका तो स्वतः ही बना, उनका तो आधी सखी होती है, पुरुष तो जीरो होता है सखी भाव में, वो तो पुरुष होता है, और स्त्रियां उनमें आधा सखी भाव है और आधा कामनी का भाव है, स्त्री का भाव है, तो आधी स्त्री आधी स्त्री होती है, आधी सखी होती है, और पुरुष पूरा ही पुरुष होता है, उसमें स्त्री भाव सखी भाव नहीं। तो इसलिए राधे बाबा ने कहा कि स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हैं, हमको तो पुरुष भाव भुलाना पड़ेगा, इनको तो स्त्री भाव भुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो श्री जी की डायरेक्ट सेवा कर सकती है।